एक तरफ सब अक्षय और सोनम को उनके मिले अवार्ड्स के लिए बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा है जिसे एक नहीं बल्कि तीन तीन नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और इस रेस में वो सोनम, अक्षय, आमिर, अजय देवगन से भी कहीं आगे निकल गई है, और वो है सबकी चहेती देसी गर्ल, पहचान तो गए ही होंगे। जी हाँ, वो है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका की मराठी फिल्म वेंटिलेटर को एक नहीं बल्कि तीन नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। आपको बता दें कि प्रियंका का खुद पर्पल पेबल पिक्चर्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है जो उनकी मॉम मधु चोपड़ा संभालती हैं। उसी प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म में राजेश मापुनसर को बेस्ट डायरेक्टर, रामेश्वर भगत को बेस्ट एडिटिंग का और आलोक डे को साउंड मिक्सिंग का अवार्ड मिला है। मधु ये अवार्ड मिलने पर बहुत खुश हैं और उन्होंने अपनी ये खुशी सबके साथ शेयर की है। मधु ने बताया कि हम इस उपलब्धि से काफी खुश हैं। पर्पल पेबल पिक्चर्स ने एक सपना देखा था और वो आज सच भी हो गया। दर्शकों के प्यार से ये फिल्म अच्छी साबित हुई है। इसके साथ ही ये फिल्म हमारे दिल के बेहद करीब है। आपको बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के काफी पुराने पुरस्कार हैं, जो सन 1954 से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार फीचर और गैर फीचर दोनों तरह की फिल्मों को दिया जाता है। जिस तरह से प्रियंका ने बॉलीवुड में अपने करियर के ग्राफ को बढ़ाया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही वो सबको मात देंगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी भी एक वजह है। वो ये कि एक तरफ जहां सबको एक नेशनल अवार्ड मिला है, तो वहीं प्रियंका ने तीन नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं।